स्वर्ग में जाने का 11 महीना बाकी था। 28/11/80 को कुछ गुरुदेव श्री यहाँ से विदाय हो गए और 6/11/80 तक उसने प्रवचन किए और बाद में 20-22 दिन तक उसके प्रवचन नहीं रहे। 6/11/80 तक स्वच्छत्व शक्ति का आखिरी प्रवचन कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से हुआ और उससे 28 दिन पहले माने कि 11 महीने पहले तो वो वहाँ नैरोबी में थे। अभी नैरोबी में जब कुछ गुरुदेव श्री गए थे तो एयरपोर्ट पर जब उसको सब लोग छोड़ने गए थे तब कुछ गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी कि आत्मा है आत्मा, त्रिकाली द्रव्य परमात्मा स्वरूप सुधात्मा, कि जो अपना स्वरूप है, अपना श्रद्धा का जो विषय है, वो जो सुधात्मा है, वो आत्मा सदा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा। ये वर्ड जो है गुरुदेव का, वो नैरोबी जाते वक्त एयरपोर्ट पे लिखा कि आत्मा सदा अकर्ता है, वो कभी कर्ता नहीं हुआ है, सदैव अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा। ये बात नैरोबी जाते समय पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात बोली थी और जब पूज्य गुरुदेव श्री नैरोबी गए तो वहां कोई जीवों को भक्स अभक्स का भी पता नहीं था, कोई जीव को दिगंबर धर्म क्या है वो भी पता नहीं था, क्योंकि ज्यादातर के श्वेतांबर लोग उधर जा रहे थे। उसी टाइम पूज्य गुरुदेव श्री उधर गए तो पूज्य गुरुदेव श्री ने वहां समय साल की 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, 17-18 गाथा, 21 गाथा और 38 गाथा, ये गाथाएं पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे नैरोबी में जहां किसी को कुछ आत्मा का पता नहीं है, जहां किसी को दिगंबर क्या होता है वो पता नहीं है, जहां सुधात्मा का स्वरूप क्या है, द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है, पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय में मोरा द्वेष चलते हैं और वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है और उसका स्वरूप जानने से, उसमें अहम करने से मोरा द्वेष छूट के विद्राक्ता प्रकट होती है, ऐसा कुछ पता जहां कोई जीव को नहीं था वहां पूज्य गुरुदेव श्री ने जाके ऐसी महत्वपूर्ण गाथा ली थी। जो गुरुदेव की जो शैली है, गुरुदेव की जो प्रतिपादन की प्रथा है और गुरुदेव की जो विषय पुटअप करने की, विषय को स्पष्ट करने की जो पद्धति है ना, वो सभा को देख के नहीं होती है, वो सभा को नहीं देखते, वो अपने आत्मा को देख के बोलते हैं और सबके आत्मा को देख के बोलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को 17-18 गाथा वहां पूज्य गुरुदेव श्री ने ली तो वहां ये बात मैं बहुत बार बोलता हूं, किसी सब लोगों ने शायद सुनी भी होगी। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने वहां 17-18 गाथा ली थी और 17-18 गाथा में दो प्रकरण महत्वपूर्ण आते हैं कि प्रथम तू आत्मा को जान। कुलकुल आचार्य ने फरमाया कि प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। अमृतचंद्र आचार्य ने बोला कि तुझे तेरा आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। ये दो बातें चलती थी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में। तो श्रोता ने प्रश्न किया, तो श्रोता हमारे राजकोट वाले ही थे, उसने प्रश्न किया कि ये तो जो तैयार शिष्य है उसकी बात है, जिसको सब पता होता है, नए निश्चय प्रमाण, निश्चय व्यवहार, उपादान निमित्त, सुप्ता असुप्ता, द्रव्य पर्याय गुण, उत्पाद उत्तम सत, गुण पर्याय द्रव्य, ये सब जिसको पता है उसके लिए ये चर्चा है, ऐसा उसने श्रोता ने प्रश्न किया। पूज्य गुरुदेव श्री का ये जवाब था कि ये तैयार शिष्य की बात नहीं है, ये पात्र शिष्य की बात है। हम तो सब में ऐसी पात्रता देखते हैं कि वो अभी मोक्ष मार्ग में प्रयास करके मोक्ष में जाएगा। हमने तो जीवों में ऐसी पात्रता देखी है, हमने ऐसी योग्यता देखी है जीवों में कि जीव है, जीव का स्वरूप जो जीव जान लेगा वो संसार में कभी रहने वाला नहीं है,
ऐसा कहकर पूज्य गुरुदेव श्री ने ये गाथाएं सब उधर ली थी। इसलिए इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निश्चय प्रमाण निश्चय व उपादान निमित्त नहीं जानना और नहीं समझना, वो तो सबको ख्याल में होना ही चाहिए, मगर गुरुदेव की जो बात थी, गुरुदेव की जो शैली थी, गुरुदेव की जो प्रतिपादन की मुख्यता थी, वो इस तरीके से ही चलती थी। देखो आज का जो विषय चला है, अभी कितने जोर शोर से एक शुद्धात्म द्रव्य से शुद्ध पर्याय कथनचित भिन्न है, ये विषय के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने कितने शास्त्रों के आधार दे के ये बात को सिद्ध करने के लिए कि कथनचित भिन्न है और सर्वथा भिन्न है उसमें क्या अंतर है, सर्वथा भिन्न क्यों बोला गया है, कथनचित भिन्न क्यों बोला गया है, प्रवचन सार का रेफरेंस दिया, वादिराज मुनिराज का जो वैराग्य प्रेरक बात की, फिर सीता जी का दृष्टांत दिया, फिर अपनी जो अलिंग ग्रहण के बोल की 18-19 बोल 20 बोल वाली चर्चा ली पूज्य गुरुदेव श्री ने, तो सभी चीजों में से द्रव्य पर्याय का स्वरूप बार 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 पूज्य गुरुदेव श्री को स्पष्ट करना है। और द्रव्य पर्याय स्वरूप अपनी सत्ता है, अपनी वस्तु है, अपना अपना आत्म पदार्थ है, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो उसी में ही अपने को जो समझना है वो समझना है, उसके बाहर तो अपना कुछ है ही नहीं। प्रमाण का द्रव्य से अपन सोचे तो द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्ता है, उसी में या तो मिथ्या दर्शन होता है या सत्य दर्शन होता है, उसी में राग चलता है या वितरागता चलती है, तो समझना उसी में है, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके की बात जो आज पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से की, उसमें एक दो बात है वो मेरे को थोड़ा लेना भी है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण सुख पर्याय के बारे में थोड़ा रेफरेंस किया था, तो कारण सुख पर्याय की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि ये 2000 साल माने कि आज से 72 साल पहले 2000 साल में ये चर्चा हुई थी, और 19 गाथा जो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं वो नियम सार की 1 से 19 गाथा तक का प्रवचन हुआ था, 1 से 19 गाथा, और 1 से 19 गाथा की बुक एक छपी हुई आज भी उपलब्ध है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के पुराने प्रवचन है, और वो पुराने प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कारण सुख पर्याय का उल्लेख की शुरुआत की थी। आज से 72 साल पहले की बात, कारण सुख पर्याय का विषय जब पूज्य गुरुदेव श्री को ख्याल में आया, जब उसको पता चला कि ये 15वीं गाथा में पद्म ब्रह्मधारी देव ने ये पूजित पंचम भाव की परिणति ऐसा कह के कारण सुख पर्याय का विषय उसमें दिया है, तो पूज्य गुरुदेव श्री को इतना प्रमोद आया कि ऐसी तो कोई पर्याय अंदर होनी ही चाहिए, शुद्ध पर्याय ऐसी होनी चाहिए कि वो सचमुच में कारण शुद्ध पर्याय माने कि वो कारण बने है और वो खुद शुद्ध है और खुद वो पर्याय है, तो कारण शुद्ध पर्याय उसमें कोई भी वर्तमान पर्याय जो प्रकट होती है उसका कारण बना देने की शक्ति उसमें पड़ी है, ऐसा निरूपण पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण सुख पर्याय में से बहुत बार किया। अब यहां जो चर्चा चली उसमें तो पर्याय का कारण पर्याय बताया, वर्तमान पर्याय का कारण वर्तमान पर्याय है, त्रिकालिक द्रव्य भी कारण नहीं है और उसके गुण भी कारण नहीं है, और उसकी कारण सुख पर्याय की कारण बने की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने यहां नहीं उठाई। अभी ये कारण सुख पर्याय का प्रकरण है, वो त्रिकालिक ध्रुव जो अपनी सत्ता है, द्रव्य सत्ता, नित्य सत्ता, एक रूप सत्ता, उसके त्रिकाली द्रव्य में उसके अनंत गुण है, और अनंत गुण है उसकी अनंत कारण सुख पर्याय, एक त्रिकाली द्रव्य है उसके अनंत गुण है और एक एक गुण की एक एक कारण सुख पर्याय, ऐसी अनंत गुण की अनंत कारण सुख पर्याय, ये पूरा द्रव्य गुण और कारण सुख पर्याय को मिला के पूरा दृष्टि का विषय है, पूरा अखंडता है उसकी, और वो दृष्टि का विषय जो है वो दृष्टि का विषय में भी सामान्य विशेष बना है, दृष्टि का विषय जो अखंड है, ध्रुव है, एक रूप है, त्रिकाल है, उसमें भी सामान्य विशेष बना है। वो सामान्य विशेष बना कौन सा है कि द्रव्य गुण जो त्रिकाल है वो द्रव्य गुण त्रिकाल है, वो ध्रुव सामान्य है, और जो कारण सुख पर्याय है वो ध्रुव विशेष है, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वो दोनों की एक रूप सत्ता जो है वो पूरा दृष्टि का विषय है।
अंदर में ऐसा कोई भेद नहीं है, द्रव्य गुण और कारण सुपर्य का, वो तो अभेद अखंडता है। ये भेद पार के समझी जा सकती है कि कारण सूत्र पर्याय कहाँ है, उसका ध्रुव विशेषपणा कहाँ है, वो ध्रुव सामान्य की ध्रुव विशेष अंदर में कैसे है, वो स्पष्टीकरण नियम सार में तीसरी गाथा से शुरू हुआ है। पंद्रहवीं गाथा तक वो विषय चला है, बांटते बांटते 77 से 81 गाथा आई, उसका 109 नंबर का श्लोक है, उसमें भी कारण सूत्र पर्याय का ध्वनि है, और बहुत से कलश में नियम सार के पद्म ब्रह्मधारी देव के जो कलश है उसमें बहुत कलश में ये कारण सूत्र पर्याय का ध्वनि निकल सकता है। कुछ गुरुदेव श्री ने भी उसमें से बहुत से कलश में इसका ध्वनि निकाला है। तो ये जो कारण सूत्र पर्याय है ना, वो पूजनीक है, वो महिमावंत है। कुछ गुरुदेव श्री बोलते हैं कि ये संतों का हृदय है, ये संतों का कार्जा है, संतों का कलेजा है, कि एक ऐसा अंदर में सुदृढ़पना उत्पाद भी के बिना का निष्क्रिय पने वर्तता हुआ एक रूप ध्रुव सदृश पना जो अंदर में है, वो सदृश 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 के साथ में उसका गुण सदृश और उसकी कारण सूत्र पर्याय सदृश, वो तीनों को अभेद से दृष्टि का विषय और तीनों को अभेद देखो तो वो द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय से परिपूर्ण परमात्मा त्रिकाली ध्रुव अखंड नित्य शुद्ध आत्मा है। वो कारण सूत्र पर्याय बोला गया तो उसमें कोई उत्पाद भी नहीं है, उत्पाद व्यय के लिए उसको पर्याय नहीं बोला गया है। उत्पाद व्यय वाली पर्याय तो प्रकट रूप वर्तमान होती है, वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय तो प्रकट होकर नाश होती है, ये तो अनादि अनंत अविनाशी पर्याय है, एक रूप पर्याय है, ध्रुव पर्याय है, सामान्य पर्याय है, सामान्यता सामान्य ध्रुव का ध्रुव विशेष है, ऐसी ये त्रिकाल पर्याय है। उसकी शुरुआत नियम सार में तीसरी गाथा से हुई। तीसरी गाथा में पद्मब्रह्मधारी देव ने इसकी बात निकाली। गुणगुण आचार्य देव ने इसने लिखा कि निश्चय से जीव को करने लायक कार्य हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग करने लायक है। ऐसा गुणगुण आचार्य ने तीसरी गाथा में जो बात बताई तो वो कार्य उसने बताया तो पद्मब्रह्मधारी देव ने उसपे कार्य का कारण बना निकाला। ये कार्य का कारण बना बाहर नहीं है, कार्य का कारण बना अंदर में होता है। वहां से उसने कारण सूत्र पर्याय निकाल के वहां शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कह के उसने कारण सूत्र पर्याय निकाली। बाद में सातवीं गाथा में कारण परमात्मा, आठवीं गाथा में कारण जीव, बाद में दसवीं गाथा में चैतन्य अनुविदाई परिणाम, ग्यारहवीं बारहवीं गाथा में स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान और तेरहवीं गाथा में कारण दृष्टि, चौदहवीं गाथा में परिसमता भेदम गच्छति इति पर्याय और पंद्रहवीं गाथा में उजित पंचम भाव की परिणति, उसको कारण सूत्र पर्याय बोला जाता है। ऐसा कहके ये पद्म ब्रह्मधारी देव की ये विशेषता है कि ये बात खास करके नियम सार में आई है। तो नियम सार में ये तीसरी गाथा से पंद्रहवीं गाथा तक का इसमें कारण सूत्र पर्याय का ध्वनि है, और कारण सूत्र पर्याय भी अनादि अनंत है। जैसा ध्रुव है ऐसी ही वो शुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय है, वो ध्रुव विशेष है, और द्रव्य गुण है वो ध्रुव सामान्य है, और दोनों एक रूप अखंड अंदर में है, उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है। जब दृष्टि का विषय ध्रुव की चर्चा चले तो उसमें वो परिपूर्ण है, तो उसकी परिपूर्णता द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय से उसकी परिपूर्णता होती है। इसलिए वो पूरा विषय परिपूर्ण विषय है, ध्रुव विषय है, दृष्टि का विषय है, चैतन्यमय है, तो चैतन्यमय में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वो दोनों अंदर में एक रूप विद्यमान है, और एक रूप विद्यमान है वो दृष्टि का विषय है। कारण सूत्र पर्याय का भेद की दृष्टि से समय दर्शन नहीं होता। कारण सूत्र पर्याय द्रव्य के साथ अभेद पड़ी है, वो अभेद रूप से रहती है, वो समझने के लिए ज्ञान में उसका भेद करके समझने का व्यवहार होता है, मगर अंदर में ऐसा भेद नहीं है, अंदर में वो अखंड रूप से रही है, अंदर में वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष होके पूरा अखंड एक दृष्टि का विषय है। जैसे वर्तमान पर्याय और त्रिकाली द्रव्य को अपन एक रूप गिनके प्रमाण ज्ञान का अखंड विषय कहते हैं, इसी तरह ये दृष्टि का जो विषय अखंड है वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों को मिलके ये अखंड ध्रुव, अखंड ध्रुव दृष्टि का विषय, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, विशेष वो विशेष पूजित पंचम भाव की परिणति, वो भी पूजनीक है। ऐसा पद्म ब्रह्मधारी देव ने पंद्रहवीं गाथा में ये
बात कह के ये कारण सुख पर्याय का ध्वनि उधर से उठाया है तीसरी गाथा से। इसकी एक बूट भी पार पड़ी है भाई कबीर भाई सब, तो उसका स्वाध्याय भी यहाँ चल चुका है और कोलूर में हमारी शिविर हुई थी वहां भी उनने कारण सुख पर्याय की चर्चा ली थी। वो गुरुदेव का प्रवचन में से ही छपी हुई बूट है, हिंदी और गुजराती दोनों में है, जिसको चाहिए हिंदी में तो यहाँ भी होगी, गुजराती की उपलब्ध अभी नहीं है मगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसलिए ये प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण सुख पर्याय का किस तरीके से उठाया था और ये कारण सुख पर्याय जरूरी क्यों है, इसकी महत्वता क्या है, इसको पद्म ब्रह्म दारिद्र ने क्यों उठाया, इस पे क्या रहस्य है, तो इस पे ये रहस्य है कि एक रहस्य तो ऐसा है कि वो सचमुच में ध्रुव की परिपूर्णता के लिए बहुत जरूरी है। ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष को दोनों मिला के अखंड ध्रुव की परिपूर्णता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव को कारण सुख पर्याय का पता ही नहीं हो और वो दृष्टि का विषय द्रव्य गुण को लेवे और उसको अनुभव नहीं होवे, ऐसा नहीं है। मुझे गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा गया था कि कोई जीव को कारण सुख पर्याय का पता नहीं हो और उसको मात्र त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय है वर्तमान पर्याय के बिना का ध्रुव, तो उसको भी समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि कारण सुख पर्याय की जानकारी ऐसा नहीं है कि वो जानकारी नहीं है तो वो बाधक बना है, ऐसा नहीं है, ये तो विशेष रूप से बात नियम सार में आई है इसीलिए हम इसकी चर्चा करते हैं, मगर बहुत लोगों को उसमें ख्याल में नहीं आया इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने वो चर्चा छोड़ दी थी। मगर फिर भी पूज्य गुरुदेव श्री ने 79 के 80 की साल तक, ये 79 के क्रोच है, 80 की साल तक जब तक वो थे तब तक कहीं ना कहीं कोई भी बात आवे तो कारण सुख पर्याय की उसमें चर्चा उसने एक दो पेज भर के उसमें से करी है। तो इसका मर्म ये है कि कहीं भी बाहर में कोई जीव की वर्तमान पर्याय की शुद्धता का कारण बना नहीं है, निश्चय से तो पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का कार्य भी पर्याय है, पर्याय के सत्कारक पर्याय में है, पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो पर्याय में ही रहता है, मगर जब पर्याय में ऐसी शुद्धता प्रकट रूप होती है तब उसका लक्ष्य नियम से त्रिकाली द्रव्य पर होता है और उसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य पर होता है तो त्रिकाली द्रव्य में जो कारण सुख पर्याय जो गुण की पड़ी है उस गुण की उस कारण सुख पर्याय में उस पर्याय वर्तमान की शुद्धता का कारण पड़ा उसमें विद्यमान है और जब वो पर्याय ये मैं हूं ऐसा अहम अपने त्रिकाली द्रव्य में करती है तब वो कारण सुख पर्याय में से उसको कारणपणा मिलके वहां कार्य की प्रगतता होती है। इसलिए कारण सुख पर्याय अगत्य की है, इसकी व्यवस्था जो बताई गई है पद्म प्रबंधारी जी ने वो एकदम बराबर समझ में लायक है। जिसी को ज्यादा इसमें समझना हो तो गुरुदेव का प्रवचन है एक गुरु कहां दृष्टिमान छठवा भाग भी निकला है सोनगढ़ से, उसमें भी ये हम लोगों ने पूरा प्रवचन कारण सुख पर्याय का ही लिया है, उसमें जितना प्रवचन उसमें आया है वो सब कारण सुख पर्याय का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, वो उसने संकलित किया है अक्षरश प्रवचन, किसी को उसकी पढ़ने की भावना हो तो वहां से मंगवा सकते हैं, मेरे को बोले तो मैं भी भेज सकता हूँ। पर्याय शब्द जोड़ा मात्र इसलिए त्रिकाली का वर्तमान ऐसा ही निरंतर वर्तमान जो ये 38वीं गाथा नियम सार की है उसमें जो सातों तत्वों का समूह कर्तव्य है वो जो उपाधि नहीं है ऐसी जो बात नियम सार की 38वीं गाथा में शुद्धा अधिकार में पहले आई है पहली गाथा में उसी में पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है कि आत्मा है वो निरंतर वर्तमान निरंतर वर्तमान निरंतर वर्तमान। तो निरंतर वर्तमान का मतलब ये है कि ये निरंतर वर्तमान माने कि ये कायम रहती है और ये ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष प्रति समय वर्तमान में भी मौजूद है अवस्थित है वो पड़ा है अंदर में कारण पड़ा अंदर में पड़ा है। तो अंदर को खोजने के लिए जा अंदर त्रिकाली द्रव्य को शोधने के लिए जा उस पर दृष्टि लगाने का प्रयत्न कर तो तेरा कारण तेरे में है बाहर कोई कारण है नहीं। इतना भी बाहर से जीव प्रयत्न कर ले कि कार्य का कारण मुझे कहीं से मिल जाए तो बाहर में तो कोई कारण बना है ही नहीं
कारण बना कार्य का भी अंदर में पड़ा है, वो अंदर में ऐसी कारण सूत्र पर्याय लवा लब भरी पड़ी है, एक एक गुण की एक एक कारण सूत्र पर्याय कारण पड़ा लेके एकदम विद्यमान शाश्वत पड़ी है, वो ध्रुव बने पड़ी है, वो उसको ध्रुव का ध्रुवत्व बोलते हैं, ध्रुव का ध्रुव बना बोलते हैं, ध्रुव ध्रुवता और ध्रुव का ध्रुवत्व, तो वो ध्रुव का ध्रुवत्व है, ध्रुव का ध्रुव बना है, ध्रुव ध्रुव बना से दबकता है अंदर में, अंदर में ऐसा नहीं है कि कोई जीवन शुष्क पड़ा है, त्रिकाली द्रव्य शुष्कता से पड़ा है और वर्तमान पर्याय मेरा कार्य करेगी तब ही कार्य होगा, ऐसा नहीं है, अंदर में एक जागृति जीवन चल रहा है, अंदर में एक जागृत देव विराजमान है, अंदर में दबकता जीवन है, अंदर में त्रिकाली द्रव्य है, उसके अनंत गुण है, उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय है, और अनंत कारण सूत्र पर्याय है, वो अनंत कारण सूत्र पर्याय को त्रिकाल नाम और त्रिकाल दर्शन उसमें है, वो पूरा त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली उसके अनंत गुण और त्रिकाली उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय उसको अंदर में निष्क्रिय बने जानते देखते है, निरंतर निरंतर क्रिया के बिना, उसमें क्रिया नहीं है, मगर जहां ज्ञान और दर्शन होता है वहां जानना देखना नियम से होता है, ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने 20-8-70 के प्रवचन में ये ध्येय पूर्वक नहीं छुपा है उसमें ये बात भी ली है, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना, गुरुदेव ने उसमें बहुत स्पष्टीकरण किया है, नियम सार का आधार लेके ही 320 गाथा का ये प्रवचन है कि कारण ज्ञान भी ऐसा है कि अपने ध्रुव को जानने के लिए परिपूर्ण रूप से अभी इसी वक्त समर्थ है, ऐसा कारण ज्ञान मेरे में पड़ा है, वो कारण ज्ञान वो कारण दृष्टि वो मेरा पूरा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा उसका अनंत गुण उसकी अनंत कारण सुख पर्याय उसको वो जानता देखता जानता देखता जानता देखना एक ऐसा एक जानना देखना ऐसा अंदर में फंक्शन क्रिया के बिना निष्क्रिय बने चल रहा है, अंदर में ऐसा धबकता जीवन है, अंदर में अंदर की ध्रुवता ऐसी है, अंदर का स्वरूप ऐसा है, अंदर की महिमा ऐसी है, अंदर का विनायक भाव इस तरह से पहचाना पहचानने में पड़ा ही है, अंदर पहचान रहा है कारण ज्ञान उसको, वहां क्रिया नहीं है, क्योंकि जहां क्रिया होता है ना वहां वेदन होता है, जहां क्रिया होता है क्रिया जहां होती है वहां वेदन होता है, ये वेदन रूप नहीं है, ये जानने देखने रूप है, ये शाश्वतता रूप है, ये जानना देखना स्वभाव है उसका, ये स्वभाव रूप उसका स्वरूप पड़ा है अंदर, ऐसा ऐसा एक व्यवस्था अंदर में विद्यमान है, ऐसा ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष जानना देखना जानना देखना जानना देखना जानना देखना अपना पूरा स्वरूप का अंदर में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और उधर से ही वो प्रगट उपयोग बाहर आता है, और वो जो प्रगट उपयोग बाहर आता है वो 17-18 गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा कि ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं अपने से ही जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, वो कैसे जानने में आता होगा कि अंदर में ऐसा जानना देखना है, वहीं से ही ये स्रोत बाहर आया है और उसमें जानना देखना चल रहा है, वो जानना देखने में वर्तमान पर्याय में जानना देखना चल रहा है, वो अनुभव रूप नहीं है, मगर वो ज्ञान जहां होता है वो नियम से अपने नायक को कभी छोड़ता नहीं है, तो जानना देखना वर्तमान पर्याय में भी नायक का चल रहा है, किसी को जानने जाना नहीं है, नायक को जानना चल रहा है ऐसा स्वीकार करना है उसको कि मैं जानना हार हूं और मैं जानना हार हूं और जानना मेरा स्वभाव है और जानना अंदर में चालू है, उसको जानने नया जानने जाना नहीं है, जानना चल रहा है उसका स्वीकार करे उसको बोला जाता है कि इसने ये द्रव्य को जान लिया, इसको ये पर्याय में वेदन आ गया, त्रिकाली द्रव्य की ध्रुव की सन्मुख प्रत्यक्ष होके जब उसको अनुभव होता है तब उसको वेदन रूप पर्याय बोली जाती है, और वेदन नियम से पर्याय में होता है क्योंकि द्रव्य तो अवेदक है अकारक है, द्रव्य में वेदन नहीं होता, द्रव्य अकारक और अवेदक है, उत्पाद में जो क्रिया है वो नियम से क्रिया में वेदन होता है, निष्क्रिय में वेदन नहीं होता है, जहां क्रिया चलती है अभी ज्ञान की क्रिया चलती है जहां वहां जब तक उसको अनुभूति नहीं है तो वो राग चल रहा है उसको, तो राग चल रहा है ऐसा भी ज्ञान में ज्ञान अपना वेदन करके जानता है कि मेरी पर्याय में अभी राग चल रहा है,
तो वेदन रूप ज्ञान है, वो ज्ञान वेदन से जानता है कि राग चल रहा है, और ज्ञान वेदन से जानता जानता है कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, तब उसको अनुभूति बोली जाती है। ऐसी ये बहुत कारण सूत पर्याय वाली अच्छी चर्चा है, और उसमें से ही क्योंकि पर्याय जो गुरुदेव ने आज बताया सब ये प्रवचन सार का आधार लेंगे कि पर्याय हमने पर्याय तो पर्याय उत्पादी ध्रुवयुक्त शब्द है पूरा होता है, वो पर्याय द्रव्य में से ही आती है, पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती, पर्याय कहीं पर्याय में से नहीं आती है। तुझे गुरुदेव सिंह ने बताया कि पर्याय आती है द्रव्य में से मगर स्वतंत्र आती है। उसका मतलब क्या है, ये अपनी कल चर्चा भी हुई थी, मैं वहां ये उसके लिए मैं ये निकाल के बुलाया हूँ, ये 49 का था वाला, क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मैंने बोला मैं ही गुरुदेव का पढ़ के बता दू सबको तो ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव पर तो सबको श्रद्धा है, विद्वान को क्या है कि गुरुदेव तो समुद्र है, समुद्र विद्वान के पास तो उसके जैसा कुछ नहीं है, वो तो गुरुदेव ने जो कहा है उसका स्पष्टीकरण माने कि उसकी उसको जो पता है वो कहते हैं, मगर गुरुदेव ने जो बोला है वो तो उसकी श्रद्धा तो सबको है, तो उसकी श्रद्धा को उसमें तो कोई ना ही नहीं बोल सकेगा। तो ये चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तिया अंतर निमग्न है, उसका प्रकरण इसमें अव्यक्त के तीसरे बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने 124 नंबर का प्रवचन है, मैंने 125 बोला था कल, मेरी गलती थी, वो 124 नंबर का प्रवचन है, इसमें ये स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने ये दीपावली के टाइम में प्रवचन हुए हैं, जब बहुत लोग दीपावली में पूज्य गुरुदेव श्री के पास वो नया साल शुरू होता है उसकी बोणी लेने के लिए सब लोग आते थे, हजारों लोग आते थे, हजारों लोग आते थे, और पूज्य गुरुदेव श्री बोणी में ये बोलते हैं बोलते थे कि ये सभी जीव भगवान है, कोई मिथ्या दृष्टि हमको दिखता नहीं है, हमको कोई मोही रागी द्वेषी अज्ञानी दिखता नहीं है, हमको सब भगवान दिखते हैं, और वो सब भगवान भगवान होने वाले हैं। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की वो नए साल की बोणी ऐसी रहती थी। ऐसा कह के पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ स्पष्टीकरण किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखो इसमें है चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्ति अंतर निमग्न है। अब यह तीसरा बोल चित सामान्य में बहुत अलौकिक बात है भाई, नायक भाव चित सामान्य यानी कि दर्शन नाम रूपी चित, ऐसा जो सामान्य स्वरूप चित सामान्य चित और चित माने की ज्ञान और दर्शन, इसमें गुजराती में है मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ, चित माने की ज्ञान और दर्शन ऐसा जो कायमी स्वभाव सामान्य, उसमें दूसरा सब गुण आ जाता है, ज्ञान दर्शन कायमी स्वभाव सामान्य है, वो ज्ञान दर्शन कहने से अनंत गुण उसमें आ जाते हैं। मैं कौन हूं ऐसा निर्णय सम्यक दर्शन की पर्याय और ज्ञान की पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि चित सामान्य में यायक दर्शन में ज्ञान ऐसा सामान्य नाम ध्रुव, इसमें चैतन्य की सर्वव्यक्तिया चैतन्य की सर्व प्रगत अवस्था भूत की और भविष्य की उसमें अंतर्मग्न है, चैतन्य की सर्वव्यक्तिया भूत की और भविष्य की अंतर्मग्न है और वो गुण रूप है। देखो यहाँ भूत की और भविष्य की भी है, वर्तमान की नहीं भी है, क्योंकि वर्तमान की पर्याय प्रगट रूप होती है, भूत की और भविष्य की अंतर्मग्न है, अंतर्मग्न है उसका मतलब कि वो अंदर गुण रूप है, भूत की पर्याय भी कैसी है अंदर गुण रूप है, और भविष्य की पर्याय भी कैसी है अंदर गुण रूप है, और वर्तमान पर्याय प्रगट है वो बाहर व्यक्त रूप है, वो क्रिया रूप है, वो पर्याय रूप है, अंदर भूत की और भविष्य की गुण रूप है, पूर्वे और बाद में बती श्रुत ज्ञान की पर्याय प्रगति है, वर्तमान में जो प्रतिश्रुत ज्ञान की पर्याय प्रकट है वो ऐसा कहती है कि वर्तमान वो ऐसा कहती है कि भूतकाल की मेरी प्रतिश्रुत ज्ञान की पर्याय माने कि प्रकट होके जितनी व्यय होके अंदर पारिणामिक भाव रूप गुण रूप हो गई उतनी भूतकाल की मेरी पर्याय और भविष्य में भी प्रतिश्रुत ज्ञान होगा, अभी मेरे को प्रतिश्रुत ज्ञान है, भविष्य में भी जितनी पर्याय प्रतिश्रुत की आने वाली वो आएगी, और बाद में केवल ज्ञान की भी पर्याय,
उसके बाद में कौन सी आएगी? केवल ज्ञान की पर्याय। वो केवल ज्ञान की पर्याय वो ये कोई ज्ञान से बात नहीं है, ऐसी अनंत गुण की ये ज्ञान से बात करते हैं, मगर अनंत गुण का ऐसा ही है, अनंत गुण की अनंत पर्याय की बात है, ज्ञान की मुख्यता से बात चलती है। मैं आत्मा कौन हूं, ये चित सामान्य जो वस्तु है उसमें चैतन्य की सर्व प्रकट दशा हो। चित सामान्य जो वस्तु है, चित सामान्य जो वस्तु है माने कि अपना जो नायक भाव है, वो नायक भाव में गुण रूप भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय अंदर में गुण रूप पड़ी है, वो पर्याय रूप नहीं है, अंदर अंदर गुण रूप है। ऐसी चित सामान्य जो वस्तु है उसमें चैतन्य की सर्व प्रकट दशाओ प्रकट तो पर्याय थी तब की अपेक्षा, भूतकाल की अंदर में चली गई, भावी की अंदर में पड़ी है, अभी प्रकट क्या है कि पर्याय जब प्रकट थी तब उसकी उसका नाम पर्याय था, वो पर्याय तो त्रक उस टाइम की अपेक्षा थी, उस टाइम उसको पर्याय बोली जाती थी, वो अंदर चली गई तो गुण हो गया, भविष्य की अंदर में है वो भी गुण रूप है, वर्तमान पर्याय प्रकट बार है, वर्तमान अनंत गुण की अनंत पर्याय बार है, प्रकट थी त्याग की अपेक्षा है, भूतकाल में थी भविष्य में होगी ये अपेक्षा है, उसको प्रकट कहा कि भूतकाल में थी भविष्य में भी प्रकट होगी उस अपेक्षा से उसको प्रकट कहा, मगर मेरे स्वरूप में वो अभी नहीं है, मेरे स्वरूप में जो प्रकट होगी कि प्रकट होने वाली हो गई वो अभी पर्याय रूप से मेरे स्वरूप में नहीं है, वो तो गुण रूप से है, क्योंकि पर्याय तो प्रकट पर्याय को बोला जाता है, वो अभी अंदर में गुण रूप है, उस ऐसा भेद नहीं है अंदर, अकेला नायक भाव जिसको यहां पर्याय और पर की अपेक्षा से अव्यक्त कहा, मगर पर्याय में वो व्यक्त होता है। अभी ये बहुत लंबा है मगर मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप उसको ज्यादा देख लेना। मैं चैतन्य सामान्य जो काय भी चीज हूं उसमें जो एक यहाँ मति श्रुति ज्ञान की पर्याय ज्ञान की ली, ऐसे श्रद्धा की, ऐसे चारित्र की, ऐसे शांति की जितनी हो गई और जितनी होगी, जितनी हो गई और जितनी होगी वर्तमान के अलावा, वर्तमान पर्याय के अलावा जितनी हो गई और जितनी होगी, क्योंकि वर्तमान पर्याय क्यों बाहर है, वर्तमान के अलावा ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वर्तमान पर्याय ऐसा स्वभाव का निर्णय करती है, ऐसा लिखा है, वर्तमान पर्याय ऐसी भूत भावी की पर्याय अंदर गुण रूप पड़ी है उसका निर्णय करती है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा ये अक्षर प्रवचन है गुरुदेव का टेप में से छपा हुआ है, ये मेरा स्वरूप है ऐसा निर्णय करने के लिए वो बाहर है। मेरा स्वरूप सामान्य जो है उसमें सब अवस्थाएं निमग्न है, मेरा सामान्य स्वरूप है त्रिकाल नायक भाव है, अनादि अनंत भाव है, अखंड भाव है, चैतन्य रूप भाव है, द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय स्वरूप मेरा त्रिकाल दृष्टि का विषय है, उसमें सब अवस्थाएं निमग्न है, निमग्न है माने अंदर में है, अवस्था अवस्था रूप निमग्न नहीं है, अवस्था गुण रूप निमग्न है, और गुण रूप निमग्न है उसमें जो अंश का क्रम बाहर निकलने का योग्यता रूप आता है वो अंश अंदर से बाहर आता है, और वो अंश समयवर्ती क्रिया रूप कार्य करता है, और वो कार्य करके दूसरे समय में वो व्यय होकर अंदर चला जाता है। ये एक समय की उत्पाद रूप क्रिया है, समयवर्ती उत्पाद रूप क्रिया है पर्याय की, आगे पीछे द्रव्य है, समयवर्ती उत्पाद रूप क्रिया है, वो क्रिया निर्णय करती है कि मैं ऐसा चैतन्य स्वभाव, मैं अनादि अनंत नायक भाव, मैं अखंड चित स्वरूप भगवान आत्मा, मैं एक रूप ध्रुव परमात्मा, ऐसा निर्णय करने वाली अगर पर्याय बाहर नहीं हो गए वर्तमान तो निर्णय उसका कौन करे, इसीलिए वो पर्याय जो है ना वो और कुछ करने के लिए बाहर प्रकट नहीं होती है, वो स्वरूप में से बाहर आती है स्वरूप का निर्णय करने के लिए, स्वरूप का वेदन करने के लिए, स्वरूप का अनुभव करने के लिए, स्वरूप को पहचानने के लिए, स्वरूप की महिमा करने के लिए, स्वरूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकली है, क्योंकि प्रकट होगी तब ही आनंद आएगा, अंदर में तो आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है, अंदर तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, मगर वो प्रकट पर्याय में आनंद आता है तो वो व्यक्त होके मैं ऐसा स्वरूप हूं ऐसा आनंद ले लेती है, इसीलिए वो व्यक्त पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मेरा ध्रुव परमात्मा है, उसमें भूत की और भावी की सभी पर्यायों की योग्यता रूप, भूतकाल की योग्यता रूप, भविष्य की शक्ति रूप योग्यता रूप
अनादि अनंत काल की वर्तमान के सिवा की पर्याय अंदर पली है, इसमें अगर का स्वभाव सिद्ध होता है, क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है, पर्याय होने होने योग होती है वो सिद्ध होता है, पर्याय को फिराने का भाव जीव का बंद हो जाता है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आने वाला है, उसको उसका कुछ कर्तव्य नहीं है, उसको तो ध्रुव को पहचानना उतना ही कर्तव्य है उसका कि ध्रुव कैसा है, क्योंकि सभी पर्याय अंदर गर्भित अंदर में पड़ी है, तो बाहर से पर्याय का मापदंड निकालना ही नहीं, वो अंदर में है वही बाहर आने वाली है, वो सब अंदर में पड़ा है, कुछ बाहर से कुछ बाहर नहीं आता, अंदर से ही बाहर आता है, प्राप्त की प्राप्ति होती है, अंदर में सब प्राप्त है, सभी पर्याय है, भवि जीव की केवल ज्ञान की पर्याय भी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय का गुण में पीड पड़ा है, गुण उसमें अनंत केवल ज्ञान की पर्याय अंदर में पड़ी है, वो ऐसा अंदर में गुण पड़ा है, एक एक गुण में अनादि अनंत जितनी पर्याय वो गुण की होने वाली है, वो अपना सत्रुप सत्व लेके वर्तमान में विराजमान है, गुण रूप प्रकट होती है तब उसका नाम पर्याय उत्पाद होता है, और उत्पाद की एक समय की क्रिया करके दूसरे समय व्यय होकर वो अंदर चला जाता है, तो गुण गुण रूप रह जाता है, एक समय की पर्याय प्रकट होके व्यय होके अंदर गुण में फिर पारिणामिक भाव रूप चली जाती है। इस पे तो दो तीन पेज है, मगर इसमें और आप देख लेना, ये मैं नमूना दे दिया है, इसमें गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है। एक और बात महत्वपूर्ण है वो मैं बोल देता हूँ, बात पे टाइम भी हो गया है। चित सामान्य में मेरा प्रभु जो सामान्य रूप जो है ध्रुव, ये ध्रुव में भूत और भविष्य की अनंती अनंती अनंती, एक समय की अनंती, ऐसी ऐसी अनंत समय की अनंती, भविष्य में भी एक समय की अनंती, ऐसी अनंता समय की अनंती, ऐसी अंदर में पड़ी है। तो श्रोता ने अंदर श्रोता प्रश्न करता है कि अंदर में जानवा जानवा पड़े जनाइंद रहेली छे, गुरुदेव कहते कि वो नहीं, वो अंदर में गुण रूप पड़ी है, वो पर्याय उसको गुण तरीके जानता है, पर्याय उसको गुण तरीके जानती है, बाहर पर्याय है वो ऐसा जानती है कि अंदर गुण रूप ऐसी पर्याय पड़ी है। फिर बोलते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में है, सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा है कि ये जीव की पर्याय का जो अंश है, अंदर में गुण में जो अंश पड़ा है, वो अंश परिणामी रूपे होगा, और ये अंश है वो प्रत्यय सर्वज्ञ के ज्ञान के अंश में, सर्वज्ञ का ज्ञान है उसमें ऐसा है कि जो जो जीव की अंदर अंश रूप योग्यता रूप पड़ी है पर्याय, अंश रूप योग्यता रूप पड़ी है, वहां कोई राग नहीं है, वहां कोई मिथ्यात्व नहीं है, वो तो शक्ति रूप है सब, राग तो एक समय की पर्याय में ही है, दूसरे समय की पर्याय में दूसरा नया राग है, तीसरे समय की तीसरी पर्याय में नया राग है, धारावाहिक जो राग का परिणमन चलता है वो समयवर्ती है, आगे पीछे कुछ नहीं है, उधर समयवर्ती पर्याय में है, और राग के निमित्त से कर्मबद्ध होता है वो है उसकी सत्ता, उसका आवागमन राग के उदय आता है, फिर वहां जुड़ता है तो नया राग उत्पन्न होता है, वहां उसकी सत्ता पड़ी है कर्म की, मगर राग समयवर्ती है, प्रत्येक समय नया 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 राग होता है, वो परलक्ष करके राग करता है और स्वलक्ष करता है, वो दूसरी पर्याय में छूट जाता है, उस समय फिर राग का परिणमन नहीं रहता, वितराग परिणमन हो जाता है, इसे समयवर्ती पर्याय है। सर्वज्ञ के ज्ञान में आता है कि ये अंश है ये इसमें परिणामी रूप हुआ, और ये अंश है वो अप्रत्यय का, ये भगवान का ज्ञान में होता है। यहाँ तो गुण गुण रूप है, सामान्य रूप है, अंतर्मग्न हुई है, निमग्न हुई है, अंतर में है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं। इसका ज्यादा विचार कोई करना हो तो ऐसे बहुत से प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात का स्पष्टीकरण किया है, आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो मेरे को पूछना, तो बहुत सा उसमें रेफरेंस अपने पास है। और ये तो क्या है, ये समझने से फायदा क्या है, ये पर्याय को समझने से यथार्थ की पर्याय की दृष्टि छूट जाती है, इसलिए ये पर्याय का प्रकरण भी समझना बहुत जरूरी है। सर्व मोक्ष मार्गी जीवो, मोक्ष मार्गी भवि जीवो, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति।